खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राज्यपाल छत्तीसगढ़ से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि इस मुलाकात में बीते दिनों कोयलीबड़ नक्सली क्षेत्र में फर्जी मुठभेड़ हुई थी, उसकी जांच को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि यह घटना 24 तारीख की है, जब गांव के 3 युवक मुठभेड़ में मारे गए। तीनों मृतक लकड़ी लेने जंगल गए थे, जहां उन्हें नक्सली समझ गोली मार दी। वहीं अब इस फर्जी मुठभेड़ को सही साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस मामले की शिकायत अपराध भवन में राज्यपाल से भी की गई है, जिस पर राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की उचित जांच कार्यवाही की जाएगी। राजधानी से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इन्होंने वादा किए कि प्रत्येक शादीशुदा महिलाओं को हम इसका लाभ देंगे, चाहे मुख्यमंत्री का परिवार हो या पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार हो या फिर कलेक्टर की परिवार हो, लेकिन आज सरकार बनने के बाद वो सिर्फ एपीएल बीपीएल नौकरी टैक्स पेयर और सभी लोगों को उन्होंने बांटने का काम किया, इससे लाभ नहीं मिल रहा है और कई छत्तीसगढ़ में हमारी माता बहनें इससे वंचित हो रहा है। और कई क्राइटेरिया में मतलब इतने ज्यादा उन्होंने बिंदु ही लगाकर अड़चने लगा दिए ताकि इसका लाभ न मिल सके, इसलिए इस सरकार ने जानबूझकर इस तरह की हथकंडे अपनाए ताकि यहाँ की महिला माता बहनों को लाभ न मिल सके। इसलिए उनको पता है कि अगर कल करेंगे आक्रोश बढ़ेगा, इन आक्रोश को देखते हुए सामने चुनाव है ताकि माता बहनों में विरोध होगा, देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है, फेल हो गई है महतारी वंदन योजना, इसलिए उन्होंने कल का डेट को बढ़ा के आगे उन्होंने डेट शायद करने का तय किया, जिससे कि थोड़े बहुत कमी फेसी के उसको लिपा पोती कर सके और माता बहनों को कैसे उसको संतुष्ट किया जा सके, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है।